अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. आई एम योर मैम उमैया एंड टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट फ्रॉम ओलिवर ट्विस्ट नॉवल. लास्ट टाइम हमने डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 रीड किया था, है ना. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, लाइफ इन अ वर्क हाउस. और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वर्क हाउस के अबाउट भी बताया था. तो लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने पढ़ा था कि ओलिवर ट्विस्ट जो है वो पैदा होता है और उसको वर्क हाउस में भेज दिया जाता है. तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्क हाउस में उसकी लाइफ कैसी थी. ठीक है, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लाइफ इन अ वर्क हाउस. द बेबी डिडंट डाई, बच्चा मरा नहीं. After several months, he was taken to a smaller workhouse. Several months, कई महीनों के बाद उसे एक छोटे workhouse में ले जाया गया. Where poor children were looked after, देखभाल की जाती थी. By Mrs. Mann की तरफ से, जहाँ गरीब बच्चों की देखभाल मिसिस मान की तरफ से की जाती थी. A hard, एक सख्त, ओल्ड, बूढ़ी, वेमन, औरत या खातून. एक बूढ़ी सख्त खातून. शी गेव, वो देती द चिल्ड्रन, बच्चों को. एज लिटल, इतना कम. टू ईट, खाने के लिए. एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके. वो बच्चों को इतना कम खाने को देती जितना मुमकिन हो सकता था. एंड ओनली थिन क्लॉथ्स टू वेयर. थिन क्लॉथ्स, बारीक कपड़े या फिर पतले. ठीक है, बारीक ही आप कहोगे इधर. ठीक है, बारीक कपड़े. टू वेयर, पहनने के लिए. और सिर्फ बारीक कपड़े पहनने के लिए. मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत. वर ऑफन सिक, अक्सर बीमार रहते. फ्रॉम कोल्ड, सर्दी या ठंड से. एंड नेग्लेक्ट, और गफलत से. उनमें से अक्सर सर्दी और गफलत से बीमार रहते. ओलिवर वॉज स्मॉल फॉर हिज एज. ओलिवर उसकी उम्र से कम था. ऑन ओलिवर्स 9th बर्थडे, ओलिवर की 9वीं सालगिरह पर. देयर वॉज अ लाउड नॉक. लाउड, ज़बरदस्त नॉक, दस्तक. एट द चिल्ड्रंस वर्क हाउस, बच्चों के वर्क हाउस डोर, दरवाजे पर. ऑन ओलिवर्स 9th बर्थडे, देयर वॉज अ लाउड नॉक at the children's workhouse door. ओलिवर की 9वीं सालगिरह पर बच्चों के वर्क हाउस के दरवाजे पर या डोर पर एक ज़बरदस्त दस्तक हुई. मिसिस मान वेंट टू ओपन इट. मिसिस मान इसे खोलने के लिए गई. वेंट, गई. ठीक है, इट वॉज मिस्टर बम्बल द बीडल एंड अ मैन हु वर्कड एट द मेन वर्क हाउस. वर्कड, काम करता था. एट द मेन वर्क हाउस, मरकजी वर्क हाउस में. ये मिस्टर बम्बल बीडल और एक आदमी था जो कि मरकजी वर्क हाउस में काम करता था. आई हैव कम फॉर ओलिवर ट्विस्ट, मैं ओलिवर ट्विस्ट के लिए आया हूँ. ही सेड, उसने कहा. ही इज़ 9 टुडे, वो आज 9 साल का हो गया है. ही इज़ टू ओल्ड टू लिव हेयर नाउ. टू ओल्ड, बहुत बड़ा हो गया है. ठीक है, टू लिव, रहने के लिए. वो यहाँ, अब यहाँ रहने के लिए बहुत बड़ा है. एंड मस्ट रिटर्न, और ज़रूर लौट जाना चाहिए. टू द मेन वर्क हाउस, मरकजी वर्क हाउस में. और अब उसे ज़रूर मरकजी वर्क हाउस में लौट जाना चाहिए. मिसिस मान वॉच्ड, वॉच्ड, धोए. The dirt, गंदगी, from all over face and hands. All over, तमाम. ठीक है, मिसिस मान ने उसकी तमाम चेहरे और हाथों से गंदगी धोई या साफ की. And took him, और उसे ले गई. To meet, मिलवाने के लिए. मिस्टर बम्बल, मिस्टर बम्बल से. और उसे मिस्टर बम्बल से मिलवाने ले गई. The little boy, छोटा लड़का, bowed. अच्छा, बाउट का क्या मतलब होता है? सर को झुका देना. हिज हैड टू द बिडल, बिडल के सामने.
छोटे लड़के ने अपना सर बिडल के सामने झुका दिया एंड फॉलोड और पैरवी की हिम आउट ऑफ द हाउस, उसकी घर से बाहर, और घर से बाहर उसकी पैरवी की। इन वन हैंड, एक हाथ में हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा था, या रोटी का टुकड़ा भी आप कह सकते हो, ठीक है। ब्रेड के टू मीनिंग्स हैं, एक तो ब्रेड, ठीक है, और दूसरी होती है जो रोटी है उसको भी हम ब्रेड ही बोलते हैं। तो स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा आप कह सकते हो यहाँ पे, या ब्रेड का स्लाइस भी कह सकते हो। इन वन हैंड ओलिवर हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक हाथ में, ओलिवर के एक हाथ में रोटी का टुकड़ा था। हिज फर्स्ट फूड दैट डे, उस दिन उसका पहला खाना। एट द मेन वर्क हाउस, मरकजी वर्क हाउस में मिस्टर बम्बल टुक ओलिवर इन टू अ बिग रूम, मिस्टर बम्बल ओलिवर को एक बड़े कमरे में ले गए। वेयर एट जेंटलमैन, जेंटलमैन हजरात, द वर्क हाउस बोर्ड, वर्क हाउस का बोर्ड, सेट अराउंड अ टेबल, अराउंड इर्द गिर्द, ठीक है, जहाँ आठ हजरात वर्क हाउस का बोर्ड एक टेबल के गिर्द बैठे थे। एट द हेड ऑफ द टेबल, हेड सिरे पर, ऑफ द टेबल मेज के, वॉज अ फैट जेंटलमैन, फैट होता है मोटा, बल्कि, ठीक है, जेंटलमैन इधर आप हजरत या जनाब कह सकते हो, ठीक है, दोनों के मतलब ये मीनिंग्स में आता है। विद द राउंड गोल रेड फेस, सुरख चेहरा। एट द हेड ऑफ द टेबल वॉज अ फैट जेंटलमैन विद द राउंड रेड फेस, मेज के सिरे पर एक मोटा सुरख चेहरे, गोल सुरख चेहरे वाला आदमी था। वॉट इज योर नेम बॉय, तुम्हारा नाम क्या है लड़के, द मैन आस्क्ड रफली, रफली होता है अनकाइंड वे में या बदतमीजी से, ठीक है, आदमी ने बदतमीजी से पूछा। ओलिवर वाज फ्राइटेंड, डर गया, एंड डिडंट रिप्लाई, और रिप्लाई ना दिया, ये जवाब ना दिया। ओलिवर डर गया और जवाब ना दिया। यू नो यू आर एन ऑर्फन, ऑर्फन मैंने यतीम, ठीक है। आई सपोज, मेरा ख्याल है, सेड द मैन, आदमी ने कहा, तुम जानते हो तुम एक यतीम हो, मेरा ख्याल है, आदमी ने कहा। What is that, sir? ये क्या है जनाब? You know, you have got no mother or father, don't you? क्या तुम जानते हो तुम्हारे वालद या वालदा नहीं है? क्या तुम नहीं जानते? Yes, हाँ, replied Oliver. Oliver ने जवाब दिया. Oliver ने जवाब दिया हाँ. वेल, अच्छा, हेयर यू विल लर्न, तुम यहाँ सीखोगे अ यूज़फुल, एक मुफीद ट्रेड, तजारत। अच्छा, तुम यहाँ एक मुफीद तजारत सीखोगे। यू स्टार्ट वर्क, तुम काम करना शुरू कर दो, एट टमोरोज मॉर्निंग, ठीक है, सुबह, कल सुबह 6 बजे। मेकिंग बनाना स्ट्रिंग, धागा या तार, फ्रॉम ओल्ड रोप, पुरानी रस्सी से। तुम कल सुबह 6 बजे काम करना शुरू कर दो, पुरानी रस्सी से धागा बनाने का। द बिडल टुक ओलिवर अवे टू अ लार्ज डोमिट्री, डोमिट्री क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, हॉस्टल को बोलते हैं, ठीक है, डोमिट्री। बिडल ओलिवर को एक बड़ी डोमिट्री में ले गया। ओलिवर्स बेड, ओलिवर का बिस्तर, वाज हार्ड एंड रफ, हार्ड सख्त एंड रफ खुरदरा, ओलिवर का बिस्तर सख्त और खुरदरा था। ही क्राइड, वो चिल्लाया या रोया, हिमसेल्फ टू स्लीप, उसे सुलाने के लिए, वो उसे सुलाने के लिए चिल्लाया, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उसका बेड जो है वो इतना हार्ड एंड रफ था कि उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने आप को बाय फोर्स सुलाने के लिए जो है वो ऐसे चिल्लाया कि सो जाओ, ठीक है। ओलिवर वाज इवन हंग्रियर, हत्ता के ओलिवर मज़ीद भूखा था। एट द वर्क हाउस, वर्क हाउस में, दैट एट मिसिस मान, मिसिस मान के मुकाबले में, ओलिवर मिसिस मान के मुकाबले में इस वर्क हाउस में ज़्यादा भूखा था।
द बॉयज़ लड़के इन द वर्कहाउस वर्कहाउस में वर्क गिवन दिया जाता था थ्री मील्स तीन खाने ऑफ द दिन सूप पतले सूप के अड्डे एक दिन में लड़कों को हाँ वर्कहाउस में लड़कों को एक दिन में तीन खाने पतले सूप के दिए जाते थे एन अनियन एक प्याज ट्वाइस अ वीक हफ्ते में दो मरतबा एक प्याज एंड हाफ अ ब्रेड रोल ऑन संडे और संडे को हाफ आधा ब्रेड रोल दे एट वो खाते इन लार्ज हॉल एक बड़े हॉल में विद अ ह्यूज पॉट एक बड़े बर्तन में एट द वन एंड एक सिरे से वो एक सिरे से एक बड़े हॉल में एक बड़े बर्तन में खाते द कुक सर्व्ड पेश करता वन लेडल अच्छा अब लेडल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स आप चाय जो है उसका चम्मच आपने देखा होगा ना चाय डालने के लिए कप्स में ऐसा ही एक चम्मच जो है वो सूप डालने के लिए भी होता है ठीक है ये थोड़ा सा गहरा होता है और ये यूज़ ही इसलिए होता है कि मतलब कि अलग होता है ये दूसरे जो स्पूनस हैं उनसे और ये स्पून जो है वो जो सूप है उसको ही डालने के लिए यूज़ होता है स्पेशली तो इसको हम लेडल बोलते हैं ऑफ सूप टू ईच बॉय हर लड़के को द कुक सर्व्ड वन लेडल ऑफ सूप टू ईच बॉय कुक हर लड़के को सूप का एक चम्मच पेश करता विच दे क्विकली फिनिश्ड जिसे वो बहुत जल्द ख़त्म कर जाते द बॉयज़ गॉट हंग्रियर एंड हंग्रियर लड़के भूखे से भूखे होते जा रहे थे वन डे एक दिन अ बॉय हु वाज़ बिगर देन द अदर्स एक लड़का जो दूसरों से बड़ा था सेड कहा इफ़ आई डोंट ईट एन अदर बाउल ऑफ सूप अगर मैंने सूप का दूसरा प्याला ना पिया या ना खाया आई शैल ईट मैं खा जाऊंगा वन ऑफ यू तुम में से एक को अगर मैंने सूप का एक और प्याला ना खाया मैं तुम में से किसी एक को खा जाऊंगा द अदर्स वर फ्राइटेंड दूसरे डर गए द फाउंड उन्होंने पाए सम स्ट्रॉ कुछ स्ट्रॉ उन्होंने कुछ स्ट्रॉ पाए कट इट इंटू डिफरेंट प्लान्स इनको दो मुख्तलिफ लंबाइयों में काटा एंड ड्रू वन ईच और हर एक ने एक खींचा ओलिवर ड्रू द शॉर्ट स्ट्रॉ ओलिवर ने छोटा स्ट्रॉ खींचा ही वुड हैव टू आस्क फॉर मोर उसे मजीद के लिए पूछना होगा सो दैट इवनिंग उस शाम उसे मजीद के लिए पूछना होगा वन द टाइम फॉर द इवनिंग मील खेम जब शाम के खाने का वक्त हुआ या आया द थिन सूप पतला सूप वाज सर्व्ड टू ईच बॉय सर्व्ड पेश किया गया टू ईच बॉय हर लड़के को पतला सूप पेश किया गया एंड सून फिनिश्ड सून होता है जल्दी एंड सून फिनिश्ड और जल्द ही ख़त्म हो गया द बॉयज बिगेन टू लुक एट ओलिवर लड़कों ने ओलिवर की तरफ देखना शुरू कर दिया ओलिवर स्टूड ओलिवर खड़ा हुआ एंड कैरीड और उठाया हिज बाउल उसका प्याला एंड स्पून और चम्मच अप टू द कुक की तरफ ओलिवर खड़ा हुआ उसने अपना चम्मच और प्याला उठाया और कुक की तरफ गया प्लीज़ सर बराए मेहरबानी जनाब आई वांट सम मोर मैं मज़ीद चाहता हूँ बराए मेहरबानी जनाब मैं मज़ीद चाहता हूँ देर वॉज अ साइलेंस इन द हॉल हॉल में खामोशी थी वट क्या सैड द कुक इन अ क्वाइट वॉइस क्वाइट खामोश वॉइस आवाज़ में कुक ने खामोश आवाज़ में कहा क्या प्लीज़ सर बराए मेहरबानी जनाब आई वॉन्ट सम मोर मैं मज़ीद चाहता हूँ ओलिवर रिपीटेड ओलिवर ने दोहराया द कुक कॉल्ड द बिडल कुक ने बिडल को बुलाया एंड टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड और उसे बताया ओलिवर ने क्या कहा द बिडल्स देन रश्ड भागा आउट ऑफ द हॉल से बाहर फिर
बिडल हॉल से बाहर भागा टू वेयर जहाँ ओल्ड जेंटलमैन सेट बूढ़े हजरात बैठे थे जहाँ बूढ़े हजरात बैठे थे एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिएगा जेंटलमैन हजरात, ओलिवर ट्विस्ट हैज़ आस्क्ड फॉर मोर, ओलिवर ट्विस्ट ने मज़ीद के लिए पूछा है, फॉर मोर मज़ीद के लिए, शाउटेड चिल्लाया द मैन विद द राउंड रेड फेस, गोल सुरख चेहरे वाला आदमी चिल्लाया, मज़ीद मज़ीद के लिए, ओलिवर वाज लॉक्ड इन अ रूम, लॉक्ड बंद कर दिया गया, ओलिवर को एक कमरे में बंद कर दिया गया, द नेक्स्ट डे अगले दिन, अ नोटिस एक नोटिस अपेयर्ड जाहिर हुआ ऑन द वर्क हाउस गेट, वर्क हाउस के गेट पर, अगले दिन वर्क हाउस के गेट पर एक नोटिस जाहिर हुआ, ऑफरिंग पेश करते हैं £5 टू एनीवन, किसी को भी, हु वुड टेक ओलिवर अवे, जो ओलिवर को ले जाएगा, उस शख्स को £5 पेश करते हैं जो ओलिवर को ले जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न इट्स आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वाज ओलिवर सेंट आफ्टर सेवरल मंथ्स, यानी कि जो है वो ओलिवर को कहाँ भेज दिया गया था, तो ही वाज सेंट टू द मेन वर्क हाउस, यानी जो मरकजी वर्क हाउस था वहाँ उसको भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, डिड मिसेस मान गिव द चिल्ड्रन एज मच फूड एज दे वांट, यानी जितना वो बच्चे चाहते थे क्या मिसेस मान उनको उतना जो है वो फूड प्रोवाइड करती थी, तो नो शी गेव द चिल्ड्रन एज लिटिल एज टू ईट एज पॉसिबल, यानी कम से कम खाना देती थी, ज़्यादा नहीं देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड मिस्टर बम्बल कम टू द चिल्ड्रंस वर्क हाउस, यानी मिस्टर बम्बल जो थे वो बच्चों के वर्क हाउस क्यों आए थे, टू टेक द ओलिवर टू द मेन वर्क हाउस, तो ओलिवर को वो मेन वर्क हाउस में ले जाने के लिए आए थे। क्वेश्चन नंबर 4, वॉज ओलिवर्स लाइफ बेटर एट द मेन वर्क हाउस, क्या कहता है कि मरकजी जो वर्क हाउस था मेन वर्क हाउस वहाँ ओलिवर की लाइफ बेटर हुई या नहीं, तो नो बिकॉज इन द मेन वर्क हाउस द बॉयज़ वर गिवन 3 meals ऑफ 3 soup अ डे, यानी वहाँ पे भी वही हाल था कि उनको मतलब वो 3 soup ही दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच स्ट्रॉ डिड ओलिवर ड्रॉ, यानी कि कौन सा वो स्ट्रॉ था जो उसने खींचा था, तो ओलिवर ड्रू द शॉर्ट स्ट्रॉ, तो उसने सबसे छोटा जो था स्ट्रॉ वो उसने अपनी तरफ खींचा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द कुक डू व्हेन ओलिवर आस्क्ड फॉर मोर, यानी ये जो कुक था उसने क्या किया था जब हमारा जो ओलिवर ट्विस्ट था उसने मज़ीद खाने के लिए उसको कहा था, तो द कुक कॉल्ड द बिडल एंड टोल्ड हिम व्हाट ओलिवर हैड सेड, तो उसने बिडल को बुलाया और उसको बताया कि ओलिवर ने क्या कहा है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नोटिस ऑन द वर्क हाउस गेट ऑफर, यानी कि जो वर्क हाउस के गेट पर एक उन्होंने नोटिस जो है वो लगाया था उस पर वो कहता है कि क्या ऑफर जो है वो दी गई थी, तो द नोटिस वाज ऑफरिंग £5 टू एनीवन हु वुड टेक ओलिवर अवे, यानी कि इस पर क्या था लिखा हुआ, क्या राइट किया हुआ था, क्या ऑफर दी हुई थी कि जो इंसान जो भी शख्स जो है वो ओलिवर को ले जाएगा उसको £5 दिए जाएंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको रीडिंग की भी समझ आ चुकी होगी और क्वेश्चन आंसर्स की भी, आप ये क्वेश्चन आंसर्स जो है इनको लर्न कीजिएगा और नोटबुक पर भी राइट कीजिएगा। एंड सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।